नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप और हाउ टू गेट स्पॉन्सर्ड बाय एनी शिपिंग कंपनी। दोस्तों, हमने कल ही एक पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमने पूछा था कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैक्सिमम लोगों ने यही जवाब दिया था कि उनको वीडियो चाहिए हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप पर। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये टॉपिक हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी इन डेप्थ कि किस तरीके से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। ऑलरेडी हमको तो पता ही था, लेकिन फिर भी हमने इन डेप्थ और रिसर्च करी कि 2020 इस करंट सिनेरियो के हिसाब से आप किस तरीके से प्रिपेरेशन करें अपने स्पॉन्सरशिप के बारे में, ताकि आप अच्छे से किसी भी एक अच्छी कंपनी में स्पॉन्सर्ड हो सकें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को देखना होगा पूरा एंड तक। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, अगर आप किसी अच्छी कंपनी से, किसी इंटरनेशनल बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही आपके जो है स्पॉन्सर्ड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने हाफ इंफॉर्मेशन ली तो वो दोस्तों खराब हो सकती है, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन के साथ आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और स्पॉन्सरशिप लेना एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है, और उसके लिए आपको इतना सा करना पड़ेगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, एंड तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में और अभी भी। और दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप नोटिफाइड रहें। अब दोस्तों, बात करते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी में स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में, क्योंकि लोग नई फील्ड ज्वाइन करने वाले हैं। मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना है, और जिन्होंने पहले से सुन रखा था वो भी कुछ बहुत अच्छे से अवेयर नहीं है कि किस तरीके से आप प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पे, किस तरीके से आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करें, किस तरीके से पेपर किए जाते हैं, किस तरीके के इंटरव्यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, उनको पता नहीं है, और उसी वजह से उनके मन में एक आ जाती है घबराहट की, यार क्या होगा, किस तरीके से अप्लाई करें, फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए हैं, या तो बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो आपके माइंड के अंदर सीप इन कर जाती है। तो इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरीके से हेल्प हो जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप अभी 12th स्टैंडर्ड में, आपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट आना बाकी है या फिर आ चुका है, जो भी आपका सिनेरियो है, आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपने 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों, आप प्रिपेयर कर रहे हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको पता ही है कि आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं 12th के बाद, वो होते हैं फर्स्ट DNS, सेकेंड BSc नॉटिकल साइंस, एंड थर्ड BTech मरीन इंजीनियरिंग। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ होता है DNS में, यानी कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में ही सिर्फ जो होता है स्पॉन्सरशिप होता है, बाकी BSc और BTech में होते हैं प्लेसमेंट्स जो कि होते हैं कॉलेज में जाने के बाद, उनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा आज का टॉपिक है स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं तो मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि आप DNS ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि वो एक साल का कोर्स है। अब दोस्तों, आपने एग्जाम पास कर लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि IMU CET के फॉर्म्स रिलीज हुए नहीं है, IMU की तरफ से कोई प्रॉपर गाइडलाइंस है नहीं, तो आप कंफ्यूज स्टेट में है कि क्या होगा, कब IMU का रिलीज होगा फॉर्म, उसके बाद कब एग्जाम होगा, कब कंपनीज के स्पॉन्सरशिप फॉर्म रिलीज होंगे, किस तरीके से स्पॉन्सरशिप टेस्ट होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे बैठना होता है, क्या किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी के लिए जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जानना इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी कंपनी में बड़ी आसानी से स्पॉन्सर्ड हो सके, बल्कि इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि आप एक अच्छे से प्रॉपर माइंड के साथ सही डायरेक्शन में फोकस कर सके। वरना अभी आपका माइंड कभी यहाँ कभी यहाँ भटक रहा होगा, 12th का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या पढ़ें, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में आप ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही पूछ लिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम दोस्तों आगे बात करेंगे अब। तो दोस्तों, सबसे पहला जो डाउट है लोगों के मन में वो है कि IMU CET के फॉर्म्स कब रिलीज होंगे। तो वो तो दोस्तों उसके लिए अलग से वीडियो एक बनेगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि कब IMU CET के बारे में सब कुछ क्लियर करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए DG Shipping की तरफ से कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है ड्यू टू COVID-19, तो कोई भी गवर्नमेंट अभी ये बता नहीं सकती है कि कब फॉर्म रिलीज होंगे। लेकिन फॉर्म जरूर रिलीज होंगे, IMU CET जरूर होगा। तो दोस्तों, ये वो टाइम है जब आप अपना प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें, उस चीज़ पे कब फोकस करें कि एग्जाम कब होगा,
इस चीज पे फोकस करें कि एग्जाम तो होगा और ये जो टाइम है वो है मेरे पास प्रिपरेशन के लिए। अब दोस्तों आपने IMUCET की प्रिपरेशन शुरू कर दी, IMUCET आपका आसानी से निकल जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन शुरू की, सही जो सवाल है वो आपने मिलाए और उसके बाद आपने उस सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस किया, जैसे कि हमारी आप IMUCET की बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अगर सही सवाल अगेन एंड अगेन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपका IMUCET बड़ी आसानी से निकल जाएगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों आपने IMUCET क्लियर कर लिया, अब बात आती है स्पॉन्सरशिप की। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है दोस्तों अप्लाई कर दो? नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपने किसी भी चीज का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद आप जाते हैं कॉलेज में। तो यहाँ पे आपके एग्जाम क्लियर करने के और कॉलेज के जाने के बीच में आप बहुत बार सुनेंगे कि स्पॉन्सरशिप ले लो, स्पॉन्सरशिप ले लो। तो बीच में ये क्या नया फंडा आ गया स्पॉन्सरशिप का, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्पॉन्सरशिप एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप कॉलेज में जाने से पहले ही, हालांकि ड्यूरिंग DNS पीरियड भी होता है और आफ्टर DNS पीरियड भी होता है, लेकिन मोस्टली आजकल जो बच्चे होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि पहले ही ले। तो स्पॉन्सरशिप ऐसा होता है कि आप कॉलेज में जाने से पहले ही किसी कंपनी का, किसी शिपिंग कंपनी का एग्जाम और इंटरव्यू दे देते हैं, और उसमें दोस्तों अगर आपने एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लिया उस शिपिंग कंपनी का, तो वो शिपिंग कंपनी आपको अश्योर कर देती है कि एक बार आपका DNS का कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो कंपनी आपको उनकी शिप पे भेज देगी, आपको उनकी शिप पे एज ए डेक कैडेट भेज देगी। ये है दोस्तों स्पॉन्सरशिप का बेसिक सबसे पहले मतलब। बहुत सारे लोग इसका मतलब ही गलत निकालते हैं कि स्पॉन्सरशिप मतलब वो जो कंपनी है वो आपका पूरा का पूरा जो फीस है कॉलेज का वो देगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब एक भ्रम बोल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, गलत न्यूज फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप का मतलब सिर्फ ये है कि वो कंपनी आपको अश्योर कर रही है कि एक बार आपका एक साल का DNS का पीरियड कंप्लीट हो गया तो आपको अपनी जो फर्स्ट कैडेटशिप है वो वही कंपनी प्रोवाइड करेगी, अगर आपने DNS को सक्सेसफुली कंप्लीट किया उनके जो भी जो गाइडलाइंस हैं उनको मीट करते हुए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप कब लेनी चाहिए। तीन टाइम पे आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, या तो आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ले, या फिर कॉलेज पीरियड के दौरान ले अगर कॉलेज में आपकी कोई कंपनीज आ रही है तो, या फिर आपका एक बार कॉलेज खत्म हो गया तो उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करें और बाद तब स्पॉन्सरशिप लें। दोस्तों करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैं तो ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉलेज के बाद में स्पॉन्सरशिप लें, और कॉलेज के दौरान भी दोस्तों मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आजकल जो है जॉब्स काफी कम हो गई है, मार्केट कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कॉलेज से पहले ही स्पॉन्सरशिप ले ले, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही आप स्पॉन्सरशिप ले ले, ताकि आप अश्योर्ड रहेंगे कि आप भले किसी भी कॉलेज में जाए, आप वहां पे उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बस अपना एक साल का जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो अच्छे से कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको कोई भी कंपनी, वो जिस कंपनी में स्पॉन्सर्ड है वो आपको जॉब दे देगी। तो दोस्तों आप पहले ही स्पॉन्सरशिप लेना जरूरी है। तो पहले स्पॉन्सरशिप लेने का मतलब क्या हुआ? वो टाइम है अभी, क्योंकि अभी आपने कॉलेज ज्वाइन किया नहीं है, स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स आने वाले हैं, कंपनीज जो है वो स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज लेने वाली हैं। तो दोस्तों अभी ही वो टाइम है जब आपको स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए, उससे ये आपको अश्योरिटी रहेगी कि आप जब भी अपना एक साल का DNS कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो कंपनी आपको अपनी शिप पे भेज देगी। और करंट मार्केट सिनेरियो की दोस्तों बात करें तो ये बहुत ही बड़ी डील है कि आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही जॉब मिल जाती है। अब दोस्तों समझते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेना बिल्कुल ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है आपको, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है, कि आपसे हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही दोस्तों जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल ही गलत है। स्पॉन्सरशिप लेना ना ही बहुत ज्यादा बच्चों का काम है और ना ही दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो दोस्तों प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें? अगर दोस्तों हम स्पॉन्सरशिप के एग्जाम और स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू की बात करें तो दोस्तों जो कंटेंट होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम की बात करें तो अगर आपने IMUCET का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया तो दोस्तों आप स्पॉन्सरशिप का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आता है स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में एज कम्पेयर टू IMUCET। अगर आप IMUCET का सबसे पहले क्या सिलेबस है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, यही है ना सिलेबस। सेम सिलेबस होता है स्पॉन्सरशिप टेस्ट का भी दोस्तों, काफी जो है सिमिलर होता है IMUCET के। फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, मैथ से पूछे जाते हैं, फिर साथ ही में कुछ सवाल इंग्लिश से, और जो है कुछ सवाल पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से। तो फिजिक्स से दोस्तों जो IMU के टॉपिक्स है वही पूछे जाएंगे,
और अगर हम बात करें कि जनरल नॉलेज दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, मेरिडियंस, आपको डिफरेंट रिवर्स, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगेन, अगर आप IMU की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप के टेस्ट की वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेस्ट आसानी से निकाल देंगे। अगर आपने IMU CT की पढ़ाई अच्छे से की है, IMU CT एग्जाम की पढ़ाई आपने अच्छे से की है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि IMU CT के एग्जाम की प्रिपरेशन अभी के अभी शुरू कर दीजिए, ताकि आप DNS जो आपके स्पॉन्सरशिप का जो एग्जाम है उसको भी आप काफी अच्छे से क्लियर कर पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एग्जाम काफी हद तक सिमिलर होता है, एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है, मीडियम लेवल होता है। और अगर आपके 12th के बेसिक्स क्लियर हैं तो दोस्तों आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है स्पॉन्सरशिप का टेस्ट क्लियर करने में। तो बात करते हैं कि आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, आपने स्पॉन्सरशिप का टेस्ट तो क्लियर कर लिया, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू पे, कि स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज कैसे होते हैं, किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको दोस्तों ये करना है कि एक बार ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, पूरा वीडियो ये देखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप आई सेक्शन पे जाके, आपको आई सेक्शन पे दिख रहा होगा एक स्पॉन्सरशिप मॉक इंटरव्यू हमने क्रिएट किया है, एक स्पॉन्सरशिप मॉक इंटरव्यू हमने क्रिएट किया है, उसमें जाके आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। वो दोस्तों सिर्फ हमने कुछ सवाल उठाए, ऐसे और भी हम मॉक इंटरव्यूज लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसमें तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मोस्टली फिजिक्स से, केमिस्ट्री से इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, मैथ से भी एक दो बेसिक सवाल अगर हो गए तो हो गए, लेकिन मैक्सिमम जो सवाल है दोस्तों वो पूछे जाते हैं फिजिक्स से, लॉज ऑफ मोशन पूछे जाते हैं दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछा जाता है, बायोन्सी के बारे में पूछा जाता है, थर्मोडाइनेमिक्स के लॉज पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है अगर आप जो स्पॉन्सरशिप का है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए तो हमने एक बुक लॉन्च कर दी है, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आप उस बुक को लेकर आप उस बुक से चेक कर सकते हैं कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, प्लस साथ ही में आंसर्स भी देखे रखें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने ये जो अपना टेक्निकल पोर्शन है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो आपने प्रिपेयर कर लिया इंटरव्यू के लिए, ये तो आपने अच्छे से बोलना सीख लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि पर्सनल क्वेश्चन की, यहां पर आकर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी पर्सनल क्वेश्चंस फेस किए नहीं है, और जब भी वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं वहां पर जब अचानक से पूछा जाता है तो वो कुछ बोल नहीं पाते। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दोस्तों जब भी मैं बताता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट को कि अच्छा ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जैसे, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा मुझे मेरे बारे में ही तो बताना, इसमें प्रिपेयर क्या करना, वहां पर जाकर मैं बोल दूंगा अपने बारे में, सर माय नेम इज दिस, माय पेरेंट्स आर दिस दिस एंड दैट, मैंने यहां से 10th की है कंप्लीट, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर आपको ये भ्रम है, अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट है कि आप पर्सनल सवालों के जवाब बिना किसी प्रिपरेशन के दे सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अभी के अभी आप इस वीडियो को पॉज करके मिरर के सामने जाइए और इस सवाल का जवाब दे दीजिए अच्छे से, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फुल इंग्लिश में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट जवाब आप देकर बताइए। नहीं दे पाएंगे आप, अटक जाएंगे आप, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और उसी से बता रहा हूं कि आप नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यहाँ पे, कुछ सवाल जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डिड यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन मर्चेंट नेवी, बहुत सारे ऐसे सवाल है दोस्तों, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका अगर आपने लिख कर आंसर नहीं प्रिपेयर किया, बाकायदा आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें आपको अपना आंसर लिखना है, उसको रीचेक करना है, फिर से उसको कट करके फिर से लिखना है, जब तक आप एक हर एक सवाल का एक अल्टीमेट आंसर तक नहीं पहुंच जाते कि हाँ ये एक परफेक्ट आंसर है, तब तक आपको आंसर्स लिखना है दोस्तों। इतना आसान नहीं है कि आप वहां पे जाकर डायरेक्टली बोलने लग जाएंगे, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग वहां पर जाकर नहीं बोल पाते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सोचिए ना उनके दिमाग में कैसे इंप्रेशन जाएगा, जो इंसान अपने बारे में नहीं बोल पा रहा है उस इंसान को सिलेक्ट करके वो लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना, उनकी भी तो आप मेंटेलिटी समझिए। तो इन सवालों के जवाब प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि इन तरीके के सवालों, इन सवालों का जवाब कैसे देते हैं। इफ अगर आप BSc या BTech कर रहे हैं तो आप
थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कंपनीज आती हैं, तो तब तक आप थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उस चीज के लिए। आप बार बार सुनते हैं ये चीजें, आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन आप अगर फ्रेशर हैं जो कि एक स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे। तो दोस्तों अभी से इन सवालों की प्रिपरेशन करना शुरू करें। हमारी जो स्पॉन्सरशिप की जो बुक है इंटरव्यू एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, उसमें हर एक सवाल का जवाब इन डिटेल में दिया हुआ है। हर एक पर्सनल सवाल का जवाब भी इन डिटेल में दिया हुआ है। सिर्फ टेक्निकल तो है ही दोस्तों, पीसीएम, फिर इलेक्ट्रिकल, ये सब तो है ही, थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये भी है कि हर एक जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उस हर सवाल का जवाब है दोस्तों उसमें। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप पर्सनल सवालों के जवाब आप प्रिपेयर करें। अभी के अभी उस बुक को लें और उस बुक से अभी के अभी अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए पर्सनल सवालों की। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटरव्यू में जवाब किस तरीके से दें। समझ लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ सवाल पूछा और आपको उसका जवाब नहीं आता है, तो लोग क्या बोलते हैं पता है उस सिचुएशन में? मैक्सिमम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि अपनी वहां पे गर्दन हिला देते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। और आप क्या ये गर्दन हिला रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा साइन है कि आपको कुछ मैनर्स नहीं है, आपको बोलने का तरीका नहीं है, आप अपने आपको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब दोस्तों नहीं आता है तो इस तरीके से गर्दन हिलाकर मना मत कीजिए, बहुत ही ज्यादा गलत इंप्रेशन ये देता है। और अगर आपने एक भी बार ऐसा किया तो समझ लीजिए आपका इंटरव्यू वहीं पे गया, आपका प्लेसमेंट, आपका स्पॉन्सरशिप नहीं होने वाला। तो आपको जवाब किस तरीके से देना है, सपोज इंटरव्यूअर ने कुछ सवाल पूछा तो आपको उस और आपको उसका जवाब नहीं आ रहा है तो आपको क्या बोलना है? सॉरी सर, आई डोंट नो राइट नाउ बट आई विल फाइंड इट आउट लेटर। समझ रहे हैं दोस्तों, एक तो आप अच्छे से बोल रहे हैं कि सॉरी मुझे इस सवाल का जवाब अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब जो है वो बाद में पता करूंगा। तो ये दो चीज बताता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है। नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कोई गुनाह थोड़ी ना है, ये नहीं पता है तो नहीं पता है। तो आप वो चीज बता रहे हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ भैया मुझे ये सवाल का जवाब नहीं पता। प्लस साथ में अपनी एक आप एडेड क्वालिटी उनको दिखा रहे हैं ये बोलकर कि सर आई विल फाइंड इट आउट लेटर, मतलब आप पक्का इस आपको जवाब पता नहीं है लेकिन आप इसका जवाब पता करेंगे। तो एक अच्छी क्वालिटी बता रहा है कि हाँ अगर अभी आपको कुछ पता नहीं है तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, आप उस तरीके के बंदे हैं जो कि पता करने की जिज्ञासा रखते हैं और चीजों जो चीजें आपको पता नहीं है आप वो पता कर कर ही छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा दोस्तों इंप्रेशन देता है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का जवाब देना है कि सॉरी सर आई डोंट नो राइट नाउ बट आई विल फाइंड इट आउट लेटर। और ऐसे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं जिनका जवाब आपको नहीं आएगा, तो इस तरीके से अगर आप जवाब देंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। प्लस साथ ही में दोस्तों मैं अगेन एक और पॉइंट में कहना चाहूंगा कि किसी भी पर्सनल सवाल में ऐसा मत बोल दीजिएगा कि आई डोंट नो राइट नाउ। या समझ रहे हैं दोस्तों, पर्सनल सवाल मतलब वो आपके बारे में पूछ रहा है, आपको उसका जवाब देना ही है। पर्सनल सवाल का जवाब आपको किसी भी हाल में देना है बिना किसी मिस्टेक के, क्योंकि वो आपके बारे में पूछा जा रहा है। वहां पे आप हिचकिचा तक नहीं सकते, वहां पे आप अटक तक नहीं सकते, आपको एकदम फ्लुएंट मैनर में जवाब देना है वहां पे पर्सनल सवालों का। तो पर्सनल सवालों की प्रिपरेशन अच्छे से करें और मना एक भी क्वेश्चन में मत बोलना कि पर्सनल सवाल में कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा। समझ रहे हैं, वहीं पे छूट जाएगा आपका इंटरव्यू। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो बात करने में आता है कि किस तरीके से इंटरव्यू में अपीयरेंस हो, यानी कि बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं जो कि फ्रेशर्स होते हैं जो कि इंटरव्यू देने पहली बार जा रहे हैं मर्चेंट नेवी का, वो ये गलती करते हैं कि बाल जैसे हैं वैसे हैं, बड़े हैं, बियर्ड रख रखी है, मूस्टैच रख रखी है। जैसे कि कल ही एक लड़के का मैसेज आया था कि सर इंटरव्यू देते टाइम मूस्टैच रख सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे ऊपर मूस्टैच अच्छी लगती है। भैया आपके ऊपर मूस्टैच अच्छी लगती है वो बहुत अलग बात है, लेकिन आप नहीं रख सकते, आपको क्लीन शेव करना ही पड़ेगा। अगर आप बियर्ड या मूस्टैच के साथ दोस्तों अपियर हुए इंटरव्यू रूम में तो आप समझ लीजिए कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अनटिल एंड अनलेस समझ लीजिए आप जैसे आपका कोई रिलीजन है वो अलाउ करता है, जैसे कि आप समझ लीजिए सिख है तो उनको अलाउड है दोस्तों कि वो बियर्ड रख सके और वो मूस्टैच रख सके, लेकिन उनके अलावा किसी भी और रिलीजन को इस तरीके से अलाउड नहीं है कि आप मूस्टैच रखें या फिर आप बियर्ड रखें। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही क्लीन शेव होकर इंटरव्यू रूम में जाना है, या फिर आप आजकल समझ लीजिए आप बस यही है कि आपको क्लीन होकर इंटरव्यू रूम में जाना है। और चाहे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है आजकल के टाइम में तो आपको ऑनलाइन भी बिल्कुल क्लीन शेव होकर बैठना है। प्लस साथ ही में दोस्तों ये है कि हेयर कट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन में समझ लीजिए
जैसे कि आजकल जो कंपनीज हैं सबसे पहले वो किस तरीके से ले रही हैं दोस्तों, जो है अपना ऑनलाइन इंटरव्यू ले रही हैं। पहले जो स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू होता था, आपको उस कंपनी के ऑफिस में जाना होता था मुंबई में, और उस कंपनी के ऑफिस में जाने के बाद वहां आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा दोस्तों, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, इसीलिए जो कंपनीज है वो ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज ले रही हैं बहुत सारी कंपनीज। तो आपको दोस्तों अपने घर पर ही आपकी शेविंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहाना हो गया कि हाँ आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आप अच्छे से वेल ग्रूम नहीं है, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको अच्छे से आपकी पूरी शेविंग होनी चाहिए, प्लस साथ में आपका जो हेयर कट है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपने आर्मी हेयर कट तो देखा ही होगा दोस्तों, बिल्कुल साइड में से बिल्कुल छोटे बाल, ऊपर से भी बिल्कुल छोटे बाल, साइड में बिल्कुल जीरो या वन नंबर का हेयर कट, बस समझ रहे हैं दोस्तों। एकदम प्रॉपर हेयर कट होना जरूरी है, प्रॉपर शेविंग होना जरूरी है, एक प्रॉपर फॉर्मल शर्ट पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट पहन के आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे, बहुत बेकार इंप्रेशन देता है। अगर आप किसी कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसे तो ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं कॉलेजेस के तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉलेजेस में तो एडमिशन हो ही जाता है। लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो ये सब अपनी एक अपीयरेंस पे फोकस करें, किस तरीके से आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं, कि आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपके शेविंग कैसी है, आपका हेयर कट कैसा है, और साथ ही में आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप जब चेयर पे बैठते हैं तो आपको सीधा बैठना है, आपके दोनों हाथ होने चाहिए अपने पैर पर, अपने थाइस पर आपके दोनों हाथ होने चाहिए, और आप बिल्कुल इंटरव्यू के आंख में आंख डालकर देखने चाहिए, इधर उधर नहीं। वो शो करता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारी जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेती है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ज्यादा हाइप बना के रखी है जो है इंटरनेट पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टेस्ट है। सिर्फ आपके बारे में बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप गूगल पे जाकर सिर्फ इतना सर्च करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट, और एक दो साइकोमेट्रिक टेस्ट आप दे देंगे, सवाल देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी ज्यादा सिंपल चीज है ये। ओवर हाइप मत कीजिए इस चीज को। साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के भी आप वहां पे जाते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। आपको बस एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होना है, ज्यादा कुछ अपने दिमाग में चलाइए मत, ज्यादा कुछ स्ट्रेस मत लीजिए, बड़ी आसानी से आप साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसके बारे में तो आप टेंशन लेना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लिटरली बहुत सारे लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछते हैं और मुझे वो सवाल देख के ऐसा लगता है भाई तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने को कि तुम साइकोमेट्रिक टेस्ट पढ़ने की बात कर रहे हो। नहीं, फालतू की चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो, काम स्टेट में एकदम अच्छे से साइकोमेट्रिक टेस्ट देना। बेसिक सवाल पूछे जाते हैं आपके बारे में, आप दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको कैसे परसीव करे, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। अगर आप आसानी से, अगर आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको बस गूगल पे जाके एक दो साइकोमेट्रिक टेस्ट के क्वेश्चन देखने हैं, आपको खुद को पता लग जाएगा कि कितनी सिंपल चीज है ये। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू हो गया, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, आपका IMUCET हो गया, आपका स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या बाकी है? तो दोस्तों अब एक चीज बाकी है जो कि है मेडिकल। तो अब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को अभी के अभी देख लीजिए ताकि आपका पूरा मेडिकल का जो है जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से मेडिकल होता है। इस वीडियो के बाद आपको देखना है वो वीडियो और आपके सारे के सारे मेडिकल के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स के लिए अप्लाई कैसे करें। आपको कंपनीज की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे उनका स्पॉन्सरशिप फॉर्म दिया होता है, बहुत सारी कंपनीज ने रिलीज कर लिया है, कुछ कंपनियों ने अभी तक रिलीज नहीं किया है, तो आपको इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ही चेक करना होगा। मैं कुछ कंपनियों के आपको नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सी वो कंपनीज है जो कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स देती है, स्पॉन्सरशिप के टेस्ट लेती है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वो सारी कंपनीज के नाम मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी के लिए स्क्रीन पे भी आपके नाम आ रहे होंगे दोस्तों। कंपनीज के नाम है एंग्लो ईस्टर्न, मित्सुई ओएसके लाइंस, विलहेंसन, वॉलम शिप मैनेजमेंट, टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो फ्लीट मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये सारी कुछ कंपनीज है जो कि बहुत ज्यादा अपने स्पॉन्सर्ड करती है अपने कैडेट्स को। तो इन कंपनीज की वेबसाइट पर आप जाकर दोस्तों अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने अभी तक अपने फॉर्म रिलीज किए हैं और किस कंपनी ने फॉर्म रिलीज नहीं किया। अगर रिलीज कर दिए हैं तो दोस्तों अभी के अभी जाके आप फॉर्म भरिए और आपके जो फर्दर जो है नोटिफिकेशन वो उस कंपनी की तरफ से आ जाएगा आपको कि कब इंटरव्यू होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जो भी है वो सारी डिटेल्स आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। तो अभी के अभी इन सारी कंपनीज की वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म्स को भर दीजिए जिस भी कंपनी ने अभी तक रिलीज किया है, आपको इस कंपनी की वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाएगा।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये भी पता चलता है कि आपको जो है वो हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और बहुत हेल्प कर रही है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम किसी भी और टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, हम उन सारी चीजों पे वीडियोस जरूर बनाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत, ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आपसे मिलता रहूंगा। गुड बाय।